नमस्कार दोस्तों, पांचवें टेस्ट मुकाबले से पहले भारतीय टीम की पोल खुली। अभ्यास मैच में लंच तक पूरी भारतीय टीम ढेर हुई, अकेला विराट कोहली मैदान पर खड़ा। तो क्या है पूरे मैच का हाइलाइट्स बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले, अगर आप भी विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों भारतीय टीम फिलहाल इंग्लैंड का दौरा कर रही है, जहां पर भारतीय टीम को पिछले साल का बचा हुआ पांचवा टेस्ट मैच और वहीं तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। और पांचवें टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम आज चार दिनों का वार्म अप मैच खेल रही है, जिसमें एक तरफ पूरी भारतीय टीम खेल रही है और वहीं दूसरी टीम में कुछ भारत और कुछ इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी शामिल है। और एक टीम में भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा और वहीं दूसरी टीम में टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी हैं, जिनमें जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी हैं। ऐसे में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह मुकाबला 3 बजे शुरू हुआ था। और ओपनिंग में भारत की तरफ से शुभमन गिल और रोहित शर्मा मैदान पर उतरे और दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 35 रन जोड़े। वहीं रोहित शर्मा ने 25 रन बनाए और शुभमन गिल महज 21 रन बनाकर आउट हो गए। और फिर उसके बाद हनुमा विहारी भी 3 रन बनाकर चलते बने। दूसरे छोर पर विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन सुरेश अय्यर भी आते 0 रन बनाकर आउट हो गए। फिर उसके बाद बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आए और जडेजा भी 13 रन बनाकर आउट हो गए। और लंच तक भारतीय टीम ने 28 ओवर में 90 रनों तक अपने 5 विकेट खो दिए हैं। विराट कोहली 9 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं और वहीं सरीकर भरत भी विराट कोहली का साथ देने के लिए 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।